जाता हूँ कुछ चीजों को, और कुछ चीजें बाकी बताता रहूंगा। अभी दो चीजें इधर ध्यान समझ लो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें नंबर वन होता है एडिशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? एडिशन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन साहब रिएक्शन तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला मैंने? रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेट मैंने हैविंग डबल ओ ट्रिपल बोन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर नोट्स में कितने पेज छोड़ने हैं इसके लिए? चार पांच पेज छोड़ देना। ओके सर। तो मैंने क्या बोला पहले, एडिशन रिएक्शंस आर रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग डबल और ट्रिपल बोन इन देम। ठीक है, ये समझ पाए? यस सर। नंबर दो बात है, रिएक्शन लीड्स टू सैचुरेशन फ्रॉम अनसैचुरेशन। नो साइन प्रोडक्ट इज राइट। यस सर। सर आपका स्क्रीन चला गया। हाँ युवराज, यस सर। इतनी बात समझ आ गया आपको? जी सर। और चौथी पॉइंट और लिख लो, सक्षम आप हो गया एडिशन टेक्स प्लेस ओनली अराउंड कार्बन कार्बन डबल बोन। यस सर। ठीक है, ओनली राउंड कार्बन कार्बन डबल बोन। कितना समझ आ गया आपको? तो ये तो हो गया एडिशन रिएक्शन। बाबा जी खाना खा रहे हो? अब नेक्स्ट लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लिया। दिस रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। दिस आर जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। नंबर टू, लीड्स टू अनसैचुरेशन फ्रॉम सैचुरेशन।
side products will be sold. ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर. पक्का? जी सर. तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर. हम लोग आगे बढ़े? जी सर. सक्षम? यस सर. सुनते हो ना? हाँ जी सर. चलो हटा दूँ उसको मैं. यस सर. हमने बोला एलिमिनेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. और एलिमिनेशन क्या होता है? अरे नहीं, अनसैचुरेशन आ जाता है. अनसैचुरेशन. ये बात समझ में आ गई आप दोनों को? जी सर. एलिमिनेशन में क्या होगा? अनसैचुरेशन आ जाएगा. अनसैचुरेशन आ जाएगा. अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? एल्कीन या एल्काइन, ये बन जाएगा. यस. ठीक है, हम लोग सीधे आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन पर. इसको बता दूं? यस सर. तो लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. सर ये हाइड्रोकार्बन में लिखना है? हाँ. यस सर. एल्कीन कैसे बनाएंगे? एल्केन से हाइड्रोजन निकाल लें. हमने कहा बाय एलिमिनेशन. यस. बाय एलिमिनेशन. ये बात समझ आई आपको? जी सर. नंबर वन लिखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड ये होता है आर एस, बोला एल्काइल और हैलाइड, एस मैंने हैलोजन. ठीक है, तो लिखो एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद एल्कोहोलिक KOH विल फॉर्म एल्कीन. क्या बोला? एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद एल्कोहोलिक KOH विल फॉर्म एल्कीन. एल्कोहोलिक KOH भी याद रखना. जी सर. नेक्स्ट लिखो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन. सो दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन बीटा कार्बन. सर ये क्या होता है? बता दो आपको, पहले लो बीटा एलिमिनेशन. लिखना, लिख लिया? एक मिनट सर. जी सर. लिख लिया? यस सर. यस सर. तो लिखो this reaction is known as
डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है जी सर, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। यस सर। इसको हटा दूं मैं? यस। हटा दूं? हाँ ना, बोलो ना। चलो हटा रहा हूं, चलो हम आगे भी बोलो। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसको समझ लेते हम लोग। जैसे कि CH3 CH2 Cl, इसका नाम है क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। क्या है? इथाइल क्लोराइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 Cl। ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जहां लगा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। ये बात समझ आई? यस। जैसे अगर मैं लिखूं CH3 CH2 CHCl और CH3, ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। समझ आया? यस। ये बात क्लियर होगी ना? बीटा किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बात करता हूं CH3 CH2 Cl, मैं लिख सकता हूं CH3, मतलब इसको ऐसे तो CH2 और एक H और CH2 Cl, ऐसे लिख सकता हूं मैं। यस। इसको मैंने ट्रीट किया एल्कोहलिक pH के साथ। किसके साथ? एल्कोहलिक pH। ये दोनों निकल जाएंगे, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा बीटा कार्बन। तो क्या हो गया? डी मैंने निकलना डिपार्ट, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या हो गया? ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये निकल गया। हमारा क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। सर HCl क्यों बना? ये H और C निकल गया ना साथ में ये। अच्छा ओके सर। तो मैं कि नहीं आया? जी सर। हटा दूं? जी सर। और देख लो आप, मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 CH और H CH2 Br। यस सर। एल्कोहलिक pH, ये निकल गया। यस। प्लस HBr। समझ में आया आपको? हाँ सर। सर स्टार्टिंग वालों को क्यों नहीं छेड़ा हमने? मैंने कहा हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन ओनली, अल्फा और ही बीटा। इसको निकलना सिर्फ बीटा ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। जो भी रिएक्शन होगा यहीं पर हो जाएगा खाली, बाकी सिर्फ लेने देना नहीं। आगे कितनी लंबी चेन का कोई लेने देना नहीं है। ये बात समझ आई आपको? एलिमिनेशन करना आ गया? जी सर। हटा दूं? हाँ जी। यस सर। एक चीज और समझ लो साथ साथ, ये बुक में नहीं है लेकिन आपके एक काम आएगा समझने के लिए, स्कूलों में करा देते हैं। अब ये ऐसा वाला अगर हमारा खा गया अल्कलाइन, ये Cl है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। जी सर। हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। yes, तो दो चीजें बन सकती है हमारी। अगर यहां से निकल गया H तो हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 H गैस निकल गया। यस सर। ये यहां से निकल सकता है CH3 CH2 CH CH2। ये बात समझ आई? यस सर। तो दो बन सकती हैं,
लेकिन इन दोनों के अंदर दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर ये माइनर। जी सर। उसके लिए रूल क्या होता है, पुअर बिकम पुअरर, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन विच इज हैविंग द लेसर नंबर ऑफ एच एटम। ये भी था, यहां दो थे या तीन थे, तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ सर, जैसे अगर सी के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सी एच थ्री में से एच को निकालना आसान नहीं होगा कंपैरेटिवली सी एच नहीं 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 हम ये डिपेंड करता है क्या बन रहा है। यस सर, समझ आ गया सर। ये डिपेंड करता है क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है ना ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। जी सर, जी सर, ये बात सुनिए आपको। हाँ जी सर। यस, हटा दू तो हमें सुन में आ गया डीहाई टू हेलोजिनेशन। अगर पूछेंगे अल्किन कैसे बनाएंगे, भाई डीहाई टू हेलोजिनेशन। ठीक है, नंबर टू लिखो, उसको बोलते डिहाइड्रेशन। डी मैंने निकलना, हाइड्रेशन मैंने वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। यूजिंग एल्कोहल। एक बात आप जरा समझ लो, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यस, सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, यस सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता जो कहीं से भी पानी निकाल लेता है। यस यस सर, सुना। तो एल्कोहल अगर मिलेंगे CH3CH2OH, ये है एल्कोहल, H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो वही हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन, CH2H CH2OH, ये वाटर निकल गया और हमारा बन गया एल्कीन। यस, समझ पाए? यस। एक मिनट सर,
सर इसमें प्लस एच टू ओ भी होगा ना इक्वेशन में, प्लस एच टू ओ भी होगा जी सर। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो हमने कर दिया फ्रॉम एच टू फोर एंड फ्रॉम एल्कालाइन। यस। तो इसको डालो। यस। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, ये है ब्यूटेनॉल एच टू एस ओ फोर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर हम कर रहे थे CH3, CH2, CH2, CH2OH ब्यूटेनॉल व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4 तो उसका तो CH3, CH2, CH2, CH2OH with conk H2SO4 will give you यहाँ से H निकल जाएगा यहाँ से कुछ निकल जाएगा yes sir तो CH3, CH2, CH1CH2 plus water ठीक है yes समझ में आ गया ना yes हटा दूँ उसको तो हमें जो अभी तक आ गया करना उसको जरा पक्का बनने करो एल्काइल हैलाइड से बनाते हैं यूजिंग एल्कोहलिक KOH देन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कोहल से बनाते हैं यूजिंग कॉन्क H2SO4 देन डिहाइड्रेशन ठीक है यस अभी थर्ड लिखो यूजिंग डिसिग्नल डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है जरा देख लो CH2 दोनों में एक CL या CH3 CH और दोनों पर एक CL ये दोनों डाइहैलाइड है यस सर यहां पर दोनों कार्बन एक बराबर बराबर में है Yes. ठीक है ना इसको बोलते हैं अपनी विसिनिटी में विसिनिटी मतलब नेबरहुड सर हमने नीचे क्या किया है CH3CH और सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ CL जब ये दोनों बराबर में है ना तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में है यस सर मतलब नेबरहुड में है तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड ये बात समझ आई नहीं आई जी सर अगर दोनों एक पर ही है बोलते जेम डाइहैलाइड जेम का मतलब होता है जेमिनी मतलब ट्विन्स सनशाइन है ना ये जेमिनी यस सर इसलिए जेम बोलते हैं एक तो जेम होते हैं और एक विस होते हैं इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड जब एक आजू बाजू में दो हैलोजन लगे हों जी बस यही आपको यस हटा लूं एक मिनट सर हेलो तो लिखो जेम ये विस डाइहैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक विल फॉर्म एल्कीन अलोंग विद ZnCl2
समझा? जी सर। पक्का? जी सर। सक्षम मैं बोलो? अरे एक सेकंड, डन सर। ठीक है? यस सर। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े लो। यस सर। चौथा मेथड हमने तीन मेथड कर लिए, नाउ द फोर्थ मेथड फ्रॉम एल्काइल। क्या ये एडिशन रिएक्शन? ये एल्काइल होता है हमारा, एच सी ट्रिपल मोल सी एच। ठीक है, ट्रिपल मोल है। yes. अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करें, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दें, क्या कर दें? हाइड्रोजन ऐड। लेकिन हाइड्रोजन इस तरह से ऐड करें पूरा ऐड ना हो, मतलब आधा हाइड्रोजन करें, एक यहां रख सर आपकी आवाज नहीं आती। समझ पाए? yes. आधा आधा हाइड्रोजन ऐड करना था, मतलब मैंने कहा ये एच सी ट्रिपल बोर सी एच है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया। yes, sir. हमारा ये बन गया। अगर yes, हम और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। yes. एल्केन बन जाएगा। yes, हम इसको नहीं होने दे रहे, यहीं पर रोक रहे हैं। ये बात समझ आई? yes. मतलब हम लोग इसको इतनी होशियारी से कर रहे हैं कि यहाँ आपकी रिएक्शन रुक जाए, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन। तो लिख लो, हटा दो उसको। yes, लिखो एल्काइन अपॉन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन
इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स लिएजेंट, लिंडलर लिएजेंट विल फॉर्म एल्कीन. पैराडाइज चारकोल मतलब लिंडलर एल आई एन डी एल ए आर एल आई एन डी एल ए आर लिंडलर पैलेडियम एंड कार्बन और सल्फर और पिडोलियम इन दिस रिएक्शन some amount of sulfur or pinolin is also added which acts as poison. ठीक है सर समझ नहीं आया जो लास्ट में लिखा है. मैंने लिखा in this reaction some amount of सल्फर और पिडोलिन इज ऑल्सो एडेड विच एक्ट एज पॉइजन. ये बात समझ आई? यस सर. पॉइजन का मतलब रिएक्शन को यहीं पे खत्म कर दिया, आगे बढ़ नहीं दिया, यही मार दिया, वरना हाइड्रोजन तो ऐड होती आएगी तो एल्केन बन जाता. अगर रिएक्शन आगे चलता एल्केन बन जाता. समझ में आई नहीं आई? हाँ ना बोलो ना. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर. तो आगे एल्केन ना बने इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं सल्फर या पिनोलिन, जिससे कारण रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाता. ओके सर. ये बात समझ में आई? जी सर. अपने ऊपर पैलेडियम पीडी पीडी विद कार्बन मतलब चारकोल, ये एल नहीं है ये डैश है, ये लिखा ना पैलेडाइज चारकोल. ठीक है आप एक बार समझ पा रहे हो? मतलब हम ये कह सकते हैं एल्केन अगर बनाना होगा आगे तो कैसे बनाएंगे? एल्काइन या एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके. अगर खुला हाइड्रोजनेशन कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा. एल्केन के मेथड पर मालूम चलेगा ना एल्केन का? यस सर. तो हमें एल्कीन के चार मेथड पर प्रश्न किए एल्कीन के. नंबर वन प्रोम एल्काइल हैलाइड यूजिंग एल्कोहलिक KOH, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. ये आता आपको? यस. फ्रॉम एल्कोहल फॉर्म क्या चीज फॉर डिहाइड्रेशन. विसिनल डाइहेलाइड यूजिंग जिंक. चौथा है फ्रॉम एल्काइन्स पार्शियल हाइड्रोजिनेशन.
ये बात सुन आई? ठीक है, ये चार मैसेज सुन जा गए? यस सर। किसने बोला ये? सक्षम ने? एक मिनट सर। हाँ from alkyl halides using alkali KOH. Alcoholic KOH. Alcoholic. Alcoholic KOH. तो फिर उसके नीचे वाला क्या है? उसका नाम बोलते हैं dehydrohalogenation. No sir, उसके नीचे वाला. From alcohol using corn cash to support. Dehydration. Vicinal dihalide using zinc. Alkyne partial hydrogenation. दोनों आ गया? यस सर। हम लोग सीधे एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आ गए। साथ साथ दोनों खत्म कर लेंगे आज ही। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन कैसे बनाएंगे? नंबर वन लिखो, बाय एलिमिनेशन। यूजिंग विसिल डाइहाइड, ठीक है? इसको कैसे करते हैं देख लो। CH2 CL और CL, ये विसिल डाइहाइड हो गया। इसमें हमने डाला एल्कोहलिक KOH। क्या डाला? एल्कोहलिक KOH। तो उसके अंदर हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। यस सर, मतलब यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन। तो यहां से H चला गया, यहां से CL चला गया, तो CH CL डबल बॉन्ड CH2। फिर से कर देंगे सर इसको, हां एक और बार कर देंगे सर। बीटा एलिमिनेशन किसको कहते हैं? भूल गए, CH2 CL और CL। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ इस स्टेप के बाद एक फिर से एक और बार कर देंगे। हाँ नहीं, अभी नहीं, इसको समझ आ गया बात आपको? हाँ सर, आप अच्छा आपको ये आ गया। अब हम इसको दोबारा करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे NaNH2 सोडामाइड। क्या लेंगे दूसरी बार में? NaNH2। ठीक है सर, इसे क्या है ये क्या समझ आ गया आपको सर? NaNH2 को क्या कहते हैं? सोडामाइड। जी सर। अभी यहां से CL और यहां से H, समझ पाए? जी सर। पक्का? हाँ जी सर। सक्षम सर, साथ साथ HCl बनेगा ना दोनों में? हाँ हाँ, मतलब हम लोग जनरली लिखते नहीं हो रही नहीं ना। ओके सर, यहाँ पर HCl और यहाँ पर भी HCl, ठीक है? जी सर। हटा दूं? जी सर। यस। एल्काइन बनाना आ गया? जी सर। इसका दूसरा मेथड है क्रोम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जानते क्या चीज होती है? No, आप जानते सच्चा? नो सर।
मैं बोल रहा था आपको, आवाज आ रही ना? यस सर। कैल्शियम कार्बाइड, मैं बता रहा था कैल्शियम कार्बाइड होता है जो फलों को पकाने का काम आता है। क्या काम आता है? पकाने। CaC2, ठीक है, लिखो कैल्शियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस विल फॉर्म इथाइन। ये समझा? यस। इसको बोलते इथाइन या एसिटिलीन। हाँ युवराज। हाँ जी सर। जानते हैं एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन सर सुना हुआ है। ये वेल्डिंग के काम आता है, वेल्डिंग गैस। मतलब अगर आपने बाजार से सेब लिया, क्या लिया? सेब, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड लगा ही होगा क्योंकि पकाया इसको उन्होंने, आपने उसे पानी डाला या के अंदर गया पानी से मिला तो क्या गैस निकली? एसिटिलीन पेट के अंदर, और जो अल्सर बना देता। समझाया? जी सर। तो इसलिए कई बार आप देखा ना, फलों को अगर हम पानी के अंदर रखते हैं, जैसे पानी के टैप से पानी आ रहा है और नीचे में फ्रूट रखा तो हल्के हल्के बबल्स दिखाई देते हैं के बाद। हाँ जी सर। तो वो गैस निकल रही होती है, ये फलों पर कैल्शियम कार्बाइड लगा होता पकाने के लिए, इसलिए फलों को बहुत धोके खाना चाहिए, अच्छे से वॉश करना। जिनका छिलका हम लोग नहीं उतार सकते, केले में तो खा लो छिलका उतार कर, कोई चिंता नहीं है। जिनको डायरेक्ट खाना पड़ता है छिलके समय, उसको छिल धोके खाना चाहिए। ठीक है, हटा दो। यस। तो हमने क्या किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर वन फ्रॉम विसिनल डायलाइट, इसे पहले में लिया था एल्कोहलिक की वेज, और फिर दूसरा लिया था हमने NaNH2, यहां से भी अच्छे निकला था और यहां से भी अच्छे निकला था, और दूसरा हमने किया फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड बाय हाइड्रोजन। हाँ, ये समझ पाया?
सर कैल्शियम कार्बाइड से क्या होता है, कैसे था वो वाला कर देते हैं। बोलो सक्षम। यस सर। हाँ युवराज हटा दूं? एक मिनट सर। हाँ जी सर हटा। हमको मेथड प्रश्न एल्किल एल्काइल आ गए जी सर। जी सर क्या कह रहे? जी सर तो आप ये आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। एल्कीन कैसे बनाएंगे? एल्काइलाइड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन, एल्काइन बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, विसरल डाइहैलाइड यूजिंग जिंक। ये याद है चारों? यस सर। अब सुनाओगे कोई? युवराज हाँ जी सर सुनाओगे चारों? ऐसे कैसे बताएं आपको? सर एल्कीन जो होते हैं वो अल्काइल हैलाइड से बनते हैं, क्या कहते हैं अल्कली के ओएच के साथ, और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं पार्शियल डिहाइड्रेशन भी कह देते हैं। नहीं पूरा डिहाइड्रेशन, पार्शियल डिहाइड्रेशन, फुल डिहाइड्रेशन, सॉरी सर। हां देन हम क्या कहते हैं डाइहैलाइड के साथ भी कर देते हैं सर, वो विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ कर देते हैं, उससे ZnCl अलग, ZnCl2 अलग निकल जाते हैं, और एल्काइन सर एल्काइन एंड एल्काइन को पार्शियल हाइड्रोनाइजेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। एंड सर एल्काइन जो हो जाते हैं एल्काइन में एलिमिनेशन से बनता है और एल्कम कार्बन। वेरी गुड। आप बताओगे सक्षम? यस सर। हाँ बताओ सर। पहले एल्कीन में तो अल्कोहल से नहीं सर, पहले एल्काइल हैलाइड से होता है, जिसमें हम अल्कोहलिक के ओएच के मदद से हम वो कर देते हैं, एक बीटा बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं और सीएल हाँ। निकाल के अलग करके वो एल्कीन बनाते हैं। दूसरा होता है अल्कोहल में से, जिसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एल्कीन बनाते हैं। तीसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड से, जिसमें हम ZnZn से ट्रीट करते हैं, तो उससे ZnCl2 सेपरेट हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। और सर फिर एल्काइन से करते हैं, तो उसमें पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। और एल्काइन? और सर एल्काइन में दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन और कैल्शियम हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है जी सर। ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े हम लोग। अभी लिखो रिएक्शन तो एल्कीन्स। एल्कीन कौन से रिएक्शन शो करेगा? एल्कीन की रिएक्शन में क्या नाम होगा सर? एल्केन नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले फटाफट ये कर लेते हैं, वो भी अपने आप हो जाएगा, देख जाओ। एल्कीन के रिएक्शन का नाम क्या है? अभी आपको बताया था मैंने एडिशन रिएक्शन। यस सर एडिशन। मैंने कहा दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इन रिएक्शन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यस। तो लिखो नंबर वन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
alkenes are formed using palladium, nickel, platinum, palladium. Using nickel, yeah, platinum, yeah, palladium. As catalyst. Which way? Yes. You right? Yes. जल्दी करके हम सारा आज ही खत्म करना चाहते हैं। अब जल्दी समझते हैं जब मैं आज ही खत्म कर दूँगा सारा कुछ। जल्द पहले डाल। हैं? हो गया? जी सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। अब आपको एलकेन की मेथड ऊपर पश्चिम वालों चल गई? जी सर। एलकेन में पढ़ाया नहीं पड़ेगा हमको ये कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे एलकेन एलकेन में एल्कीन में तो एल्कीन बन जाएगा। यस सर। हाँ इसलिए नहीं कराया। तो मैं नंबर टू लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है यस। अब इसके दो हिस्से एच है और एक सीएल है। एक कार्बन पे एच लग जाएगा, एक पर सीएल लग जाएगा। यस हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच थ्री सी एच टू सी एल। यस समझा जी सर। इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए? नहीं। क्या बन जाएगा हमारा? क्या बनेगा इसमें सर? सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एच थ्री। ठीक है जी सर। मैं सी एल यहाँ ऐड करूँ तो भी बात वही होगी। दोनों नाम है टू क्लोरो टू ब्यूटेन है ना? यस। एक ही चीज बन रही है हमारी। इस बात को ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आए हाँ सर हटा दो उसको जी। एक मिनट सर। हाँ इसको लिख लो, उसको अच्छे से समझना पहले। सर इसमें सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री है ये वाला? हाँ जी सर। हाँ ये डबल बॉन्ड है, दो रिएक्शन होता है यही होता है खाली, बाकी लेन देन नहीं, सब एडिशन यहीं पर होगा। एक पर है जेड पर सी एल सी एच थ्री सी एच। ओके सर जी सर। ठीक है हाँ जी सर। यस आगे बढ़े। यस सर। अब एक जो चीज है उसको ध्यान से मिले ना, इंपोर्टेंट आस्पेक्ट आ रहा है। अब ये देखो हटा दो तुम आप बताओ क्या बनेगा सर? इसमें सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच
CH2CL. CH3CHCl. CH3. CH2. Single point. CH2Cl. और आप क्या बता रहे थे सर? CH3CHCl और CH3. अब ये दो अलग कंपाउंड बन गए है ना? यस सर. कौन सा बनेगा दोनों में से? दोनों अलग अलग है. विच इज द मेजर प्रोडक्ट? सर लेफ्ट वाला. जब ने बताया? हाँ सर. तो दिस इज मेजर. मेजर का मतलब होता है 90% एंड दिस इज माइनर मींस 10%. ठीक है सर. अब सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि हाइड्रोजन उसमें कम था तो सीएल उस पे लगेगा. शाबाश. इसको जरा समझ भी लेते. ठीक है बता दूं यस. पहले क्यों यहीं पर समझ लो आप, फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा. उसके बहुत आराम से समझ लेना, जब जरूरत तो पूछ लेना. CH3CH यहां पर कोई पंगा नहीं था. यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, एक चीज बन रही थी. यहाँ पर यहाँ ऐड करोगे या यहाँ करोगे अलग अलग बनेगा. ये बात समझ आई आपको? क्योंकि ये सिमेट्रिकल था. ये क्या था? सिमेट्रिकल. और ये है अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल ठीक है. ये बात समझ आई आपको? ये सिमेट्रिकल अल्किन था, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है. सिमेट्रिकल में जहां मर्जी ऐड कर दो, अनसिमेट्रिकल के अंदर रूल होता है. इसको ना दो इसको उस रूल का नाम होता है मार्कोनिक ओब्स रूल. बहुत सी में ऑफ लिख देते हैं मार्कोनिक ऑफ, क्योंकि रशियन नेम है ना. ऑफ वगैरह हमारे चलते नहीं, हम लोग ऑफ बोल देते हैं. मार्कोनिक ऑफ रूल. ठीक है. यस सर. ये जो HCl है जो ऐड हो रहा है इसको हम बोलते हैं एडेंडम. क्या बोलते हैं? एडेंडम. जो चीज ऐड हो रही है. यस सर. ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट. आगे वाला हमेशा पॉजिटिव था, पिछला नेगेटिव होता. अब रूल लिखो. एडिशन रिएक्शन तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गेट अटैच टू द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यही बात बताई. जल्दी बोलो. यस सर. सक्षम? हाँ सर. ठीक है समझिए बात को.
क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ मेरे को सर. इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो जो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट ये है विल गेट अटैच्ड ओवर हियर. जी सर. फिर मैं यस सर हटा दूं बात को. यस आप जरा ये बताओ मेरे को CH3 इन दोनों में बताओ क्या बनता है. फिर पहले वाले का बनेगा CH3 CH2 CH अटैच करके BR सिंगल बॉन्ड CH3 CH. हाँ बोलो सर. CH3 CH2 CH पे BR अटैच होगा सिंगल बॉन्ड CH3 CH3. और दूसरे वाले का सर. दूसरे वाले का बनेगा CH3 CH2 CH2 CH पे CL अटैच होगा और CH3 साथ में सिंगल बॉन्ड. सक्षम. यस सर. आप भी समझ गए. हाँ सर. पक्का जी. आगे बढ़े बोलो. हाँ सर. हमको ये आ गया अब मार्गोनी का रूल. यस सर. रूल की डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा आपसे थोड़ा सा और सीख ले फिर हम उसके मैकेनिज्म पर आएंगे अभी नहीं कर रहे. ठीक है जी सर. इसमें ला दूं जी सर. यस. एक होता है एंटी मार्कोनिक रूल. एंटी मार्कोनिक ओ रूल. दूसरा नाम होता है खराश इफेक्ट. AHARASCH और परोक्साइड इफेक्ट. ये होता है इट हैपन्स ओनली विद HBr. ये दो बातें लिखो सर. सिर्फ HBr के साथ होता है एंड इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड देन सर. लिख लिया. यस सर. यस सर. हटा दूं इसको. जी सर. ये एंटी मार्कोनिक हो रहे कि नेगेटिव पार्ट में अटैच टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सर ऐसे तो फिर CH3 के साथ. अच्छा नहीं नहीं सर. ठीक ठीक ये बात समझ आएगी नहीं आएगी. जी सर. अभी पेज देखो पेज नंबर 390. सर एक सेकंड. नोट सर. नेगेटिव पार्ट ऑफ
एडेंडम एडेंडम ओके सर इस बोल एडेंडम इसमें है प्रॉब्लम 13.12 सोल्ड है जरा सो पढ़ लो ठीक है सक्षम सर एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग सिस्टम नहीं नहीं 13.12 पेज नंबर 390 पर ये सोल्व प्रॉब्लम है ना अच्छा दिखाई दे रहा है आ गया हाँ युवराज आपको दिखा यस सर ड्रेस को पढ़ो दो मिनट के अंदर आता मैं पढ़ो ड्रेस को सर इस हिसाब से तो वही है कि अगर पेरोक्साइड होगा तो फिर पेरोक्साइड इफेक्ट वाला रूल हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर मार्कोनिक को वाला रूल होगा हाँ हो गया यस सर यस समझाएंगे दोनों को यस सर कोई डाउट तो नहीं हुआ ना नो हम लोग आगे बढ़े जी यस सर इसको मिटा रहा हूँ एडिशन ऑफ वाटर सर रिएक्शन ऑफ एल्कीन ही चल रहा है ना हाँ सर ये क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा देखो ये किसके लिए ना ओ, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा ठीक से मैं कोशिश करता हूँ है आप लिखते जाओ एडिशन ऑफ Thank you.
हाँ देखो एडिशन ऑफ वाटर यस सर तो देखो एल्कीन सपोज एडिशन ऑफ वाटर क्या एल्कीन अपॉन रिएक्शन विद वाटर यस सर विल फॉर्म एल्कोहल alkene upon reaction with water will form alcohol will form alcohol in which the addition of water the addition of water will take place against marble of food again And yes, mark one of food. Yes. ठीक है यस सर तो लिखो जैसे CH3 CH2 CH2 प्लस वाटर हमने लिखा एडिशन ऑफ वाटर यस एल्कीन अपॉन रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ को H2O4 will form alcohol. हमने पढ़ा था ना कि alcohol में से water निकाल देते क्या बन जाता है? Alcohol में से water निकाल देते क्या बन जाता है? Alkene. Alkene. Yes sir. Dehydration किया था ना हमने? हाँ sir. और alkene में water डाल देते क्या बन जाएगा? Alcohol. Yes. ठीक है? मतलब CH3 ये H2 हो गया H2H पूरी निकल गई ये बात समझ आई यस सर पक्का सर एल्कीन बनेगा ना एल्कोहल बनेगा ना एल्कोहल मैंने कहा एल्कोहल में से वाटर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है सर एल्कीन और एल्कीन में वाटर डाल देते क्या बन जाएगा एल्कोहल एल्कोहल सर मैं आया बात ये यस खड़ा दो उसको एक मिनट सर वहां पे क्या लिखे H+
फिर हमने रिएक्शन में लास्ट में क्या देखा, प्लस एच प्लस, ये वाटर है H2O, वाटर को ले सकते हैं H2H, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट ऑडेंडम अटैच टू कार्बन हैविंग लास्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बात समझ आएगी आई? हाँ सर। H2O को मैं लिख दिया HOH, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, हटा दू उसको, हैं? जी सर। अभी जैसे आप मुझे बताओ CH3 सर पहले वाले में तो CH3 CH2 CHOH CH3, शाबाश। दूसरे वाले में CH3 CH2 CHOH CH3 CH3, ये CH था, बन जाएगा। अच्छा, और तीसरे वाले में? तीसरे वाले में सर CH3 CH2 CH2OH। OH कहाँ से आ गया? HCl है। HCl है। अच्छा हाँ सर, वो H2 में देखेंगे। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। आपका यूरल? सर मेरा बना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, मतलब आप ये लास्ट वाला बता रहे हैं आप? लास्ट वाला CH2CH2Cl। यस सर। तुम दोनों यही बता रहे हो? जी सर। दोनों का यही है ना? जी सर। ये गलत है, पेरोक्साइड इफेक्ट हो जाएगा ना सर इसमें? मैंने कहा पेरोक्साइड इफेक्ट हैपेंस ओनली विद HBr, भूल गए? ओ सर, इस बात का ध्यान रखो ना। ओके, समझ पाए? यस यस सर। डालूं फिर इसका CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। अब बात CH3 CHCl CH3। यस, इसको डालो। हाँ सर। आना बोल दिया बराबर। जी सर। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कन्वर्ट CH3 CHCl CH3 टू CH3 CH2 CH2Br, कैसे करेंगे? सर कैसे करेंगे सर? इसमें हम HBr ऐड कर देंगे पेरोक्साइड के साथ प्रेजेंस में। कब सर? ये टू स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में HCl सेपरेट होगा,
वो जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे क्या कहते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से, तो उसमें CH3 CH2 अब इसमें सर हम ऐड करेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड सर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड यस सर और मैं जी सर हाँ सर आगे सर हाँ सर पक्का सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रिएक्ट करे वो उसको रिप्लेस कर दे बीआर इसको डायरेक्ट नहीं हो सकता यहाँ पर बीआर बीआर तुम्हें यहाँ लगाना है ना अच्छा हाँ सर ठीक है बात समझ में आ गई ओके सर आगे बढ़े यस एक मिनट सर सर यस सर सर ये दोनों सेम नहीं है लगभग ना सेम नहीं है दिखाई नहीं रखो यहाँ बोन यहाँ पर है यहाँ बीच में सर तो बॉन्ड कैसे एडजस्ट कर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे खाना बोलो ना फटाफट सर ट्राई कर रहे हैं ट्राई करो सर पहले इसमें एडिशन ऑफ H2O कर देते हैं H2O सर वाटर ऐड करेंगे तो वो डबल बॉन्ड हट के क्या कहते हैं CH3 हो जाएगा ना सिंगल बॉन्ड CH3 और CH के नीचे OH लग जाएगा CH3 CH2 CH OH और CH3 आ गया सर अब हाँ. सर हमें बस इतना चाहिए कि CH और CH2 के CH2 में से हमारा एक H हट जाए और यहाँ से OH हट जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए CH के बीच में हो जाएगा तो उसके लिए हमें कोई ऐसा रिएक्शन चाहिए जिससे H2O डिहाइड्रेशन हो जाएगी सर तो उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और H2O चला जाएगा सक्षम इसको ऐसे भी कर सकते हैं मैं हटा रहा हूँ इसको ऐसे समझ लो CH3 CH2 CH2 पहले हमको बनाना है CH3 CH ये बनाना है ना को इसमें HCl ऐड कर दो
और अभी इसमें एल्कोहलिक पीएच डाल दो। समझ पाए? जी सर। नेक्स्ट लिखो, डन सर। हटा दूं? एडिशन ऑफ हेलोजन। विसिनल डाई हैलाइड विल गेट फॉर्म। दो रुपए की सीमा जाएगा। जी सर। जी सर। बताओ क्या बनेगा? सर इसमें बन प्लस Br2 है ना सर, तो सर इसमें बन जाएगा CH3CH2CH2 CH with a Br single bond CH Br single bond CH3। Very good। अब professional हो गए। Organic chemistry बड़ा दिमाग चला रहे हो आप? Sir organic हमेशा से अच्छी थी। चलो आपको तो फिर और पढ़ाएंगे। 12th में मेरे से बना बहुत बढ़िया बनाता हूँ organic में। 12th में। जी सर। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। जो बच्ची में से ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना, तो वो याद रखते हैं, उनको भूल भी नहीं रहती। सर मतलब 12th में तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना जल्दी। अगर आपको कंपटीशन वगैरह करना है तो ऑर्गेनिक में इतनी अच्छी करा दूंगा कि आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। जी सर। ये मैं अपने मुंह से भी तारीफ नहीं कर रहा, ये बच्चे गए थे तो मेरे एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद में ऑर्गेनिक का बहुत दीवाना हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी ऑर्गेनिक की। जी सर। तो उसी मेरे को बड़ा मजा आता है सुनाने में भी, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। सर मेरी बस यही दिक्कत है, पढ़ता नहीं हूँ। हाँ सर मेरी यही दिक्कत है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं आप होशियार तो हो, लेकिन आप ना लापरवाह हो, वही लापरवाह हटा दो ना तो बहुत बढ़िया। ये मॉडल में सारे बच्चे ऐसे होते हैं। सर मान सकते हैं। हाँ आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बेस्ट 13 स्कूल इन दिल्ली, सो फॉर स्कूल। यस सर। उसमें नंबर वन था मॉडर्न बाराखंबा। जी सर। सर कुछ लिखा हुआ था ऐसे उसके बारे? हाँ उसके बारे में लिखा हुआ था, एस्टैब्लिशिंग 1921 समथिंग। तो पुराना है ना? तो सबसे पुराना है, मतलब इट वाज द स्कूल ऑफ एलीट क्लास। सर वैसे ऐसा एक टाइम में एलीट क्लास की वही जाती थी। अब तो हर एक तरीके का बच्चा है। नहीं नहीं अभी भी हर एक तरीके का बच्चा नहीं है अभी भी। मतलब गोल्ड गिफ्टेड बच्चे जाते, मतलब एलीट क्लास की बच्चे जाते हैं ज्यादातर, थोड़े और बच्चे भी आ जाते होंगे। जी सर। और अब क्राउड में फिर भी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ। सर स्टैंडर्ड जो मॉडर्न वसंत विहार है ना, वहां पे ऐसा सीन है बाराखंबा में, तो सर स्पोर्ट्स कोटा से आ जाते हैं लोग और इन सब से भी आते हैं। पहले नहीं था, पहले नहीं था। जी सर वो पहले नहीं था, वसंत विहार में पहले। अरे कई कई कंट्रीज के हेड तुम्हारे से पढ़ के गए, जी लोग यहाँ से पढ़ के गया। सर होता है कंट्री हेड यहाँ से पढ़ के गए, तो ये तो कोई मामूली चीज नहीं है मॉडल पढ़ना। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज, मतलब यहाँ के बच्चों में तमीज भी होती है, ये भी बात मैंने देखी है।
सर पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं नहीं नहीं तमीज में अच्छी होती, तमीज अच्छी होती है, बोलने का तरीका अच्छा होता है। मेरे साथ बहुत अच्छे पढ़ते रहे मॉडल के, पर एक थोड़ी सी ना जो मतलब दे आर ऑल फ्रॉम द गुड फैमिली एफ्लुएंट फैमिली बट दे हैव बीन सम डिसेंसी व्हेन दे टॉक, वो अच्छा लगता है उनसे बात करने में। थैंक यू सर। हाँ कोई बात, हाँ बताओ सक्षम बेटा क्या हुआ, अब तुम हो गए क्या? हाँ सर। अच्छा 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 हम लोग कोई बात में लग गए, तो ये ध्यान नहीं रहा क्या कर रहे हैं, हटा दो उसको। जी सर। अच्छा हम लोग आगे बढ़े, हमने जो अभी तक कर लिया उसको कर लेते हैं। हमने एडिशन रिएक्शन करे हैं और चार एडिशन किए, नंबर वन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसमें हमने दो करे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, और चौथा हमने किया है एडिशन ऑफ वाटर। ये चारों आपको आ गए, ये आपको याद होने चाहिए बाय ऑन द किट अगर मेरे से चलना है तो। ठीक है सर, सक्षम वाला क्या था? हाँ सर। थर्ड वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स, उसे दो किए थे ना मार्कोनी का रूल एंटी मार्कोनी का रूल। जी सर। ये एचबीएल साथ होता था। जी सर। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, चार मेथड, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, रिएक्शन ऑफ जिम विसिल डाइहलाइड। ये याद है अभी तक? ये याद है चलो अभी तक? यस सर। क्लास के आखिर में ये सारा सुनूंगा आपसे मैं, ध्यान से पढ़ दिया ना। जी सर। इसको बता दूं? यस। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम में आएगी पक्का, ध्यान से समझ लेना उसको। उसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। क्या लिखा? ओजोनोलिसिस। एल्कीन अपॉन रिएक्शन विथ ओजोन फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट कॉल्ड ओजोनाइट विच वेन ट्रीटेड विथ जिंक वाटर कपल फॉर्म एल्डिहाइड एंड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। लिख लिया? एक मिनट। जी सर। लड़का? जी सर। लड़का हमने जल्द पढ़ सुनाओ। Sir, alkene upon reaction with ozone forms an addition product called ozonide, which when treated with zinc or water, couple of aldehyde or ketone. What are couple? Foam. Aldehyde and or ketone. Yes, sir. And or ketone, depending upon the structure of alkene. हाँ बताओ. Yes sir, alkene upon reaction with ozone forms an addition product called ozonide, which when treated with ZnH2O couple form aldehyde
और केटोन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. एल्डिहाइड एंड और कीटोन. जी सर. अब इसको बहुत आराम से समझना, बहुत प्यार से, जल्दी मत कुछ नहीं है. सी एस थ्री, ये एल्कीन है हमारी, इसको बोलते ओजोन. इट विल फॉर्म्स एन एडिशन व्हाट कॉल ओजोनाइट. ये ओजोनाइट होता है. सी एस थ्री सी एच, ये हट नाइट स्ट्रक्चर बन जाएगी. इसको बोलते ओजोनाइट. समझ में आया? एक मिनट सर, बीच का बॉन्ड हट गया. जी सर. समझ में आ गया? जी सर. उसके बाद जिंक वाटर कबल. अब यहां से देखो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर से टूट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ प्लस सी एच थ्री सी एच ओ. सर एक क्वेश्चन था. हाँ सर, ये बीच वाले ऑक्सीजन का क्या हुआ? वो छोड़ दो उसको, वो इसमें इस्तेमाल हो गया, जिंक वाटर ने इस्तेमाल कर लिया. ठीक है. यस, ये दोनों एलिमेंट बन गए. ये दोनों एलिमेंट बन गए. राघव को जी यस, इसको बहुत अच्छी से समझना है, इसको ये बहुत काम आएगा. जैसे मैं लिखता हूँ सी एस थ्री प्लस ओ थ्री, हमारा बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस ओ सी एस थ्री जिंक वाटर कपल. ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, हमारा बन गया सी एस थ्री सी एच टू सी एच ओ प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री कीटोन. एल जी आर कीटोन दोनों बन गए. ओके, बात समझ में आ रही है? यस. सर सी एच सी ये तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ हो गया ना? यस सर. ये और एक हो गया सर, दूसरा पार्ट ये सी एच थ्री सी ओ, ये कीटोन है. ओके सर. सर इसमें डबल बॉन्ड के साथ वो आएगा? हाँ, इसमें डबल बॉन्ड ही होता है, लिखते नहीं ऐसे हम लोग. ये भी ऐसा होता है एक्चुअली, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ डबल बॉन्ड होता है. ओके सर, मतलब कार्बन सी एच ओ भी लिख सकते हैं. हाँ सी एच ओ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी ओ भी लिख सकते हैं. मैं भी लिखता हूँ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री भी लिख सकता हूँ हमें. जी सर. ये बात समझाइए आपको? जी सर. हटा दो उसको. हाँ जी सर. एक सेकंड, अब एक बात अच्छे समझ लो. सी एस थ्री सी एस टू सी एच, अगर यहां पर एच है तो एल्डिहाइड बनेगा, एच नहीं है ये लगा है तो कीटोन बनेगा. ये बात याद रखना. यस सर. अगर यहाँ एच है तो उसका एल्डिहाइड बनेगा, ये नहीं है तो कीटोन बनेगा. ये बात समझ में आ गई आपको? सर एक अभ्यास बनाओ, कुछ समझ में आएगा. सी एस थ्री ये
ये बनाओ अपने आप, क्या बनाते हो? CH3CH2COCH सर CH3CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CH2CH सर CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH प्लस CHO प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CH2CH3 यस सर जी ये बात समझ आ गई आपको जी सर यस सर यस सर करा दूँ उसको यस सर यस पक्का अभी yes, आप ये करना आ गया को हाँ जी सर अगर मान के चलो मैंने एक एल्कीन ली उसकी ओजोनोसिस करी वो मेरे को ये बन गया ये थ्री एंड CH3, CH2, CH2. Then, what was the alkene? मतलब these two are the ozonosis product of an alkene. What was the alkene? Sir, CH3, CH2, or C. और डबल बॉन्ड सी एच ये सी एच थ्री है ना ये टू है इक्वल सही है सर प्लस में क्या लिखा है यहाँ पे प्लस सही है सर ये प्लस के बाद सी एच क्या है सी एच थ्री ये सी एच थ्री ओके सर तो सर सी एच थ्री सी एच टू सी सी फिर C के बाद सर CH2, CH3, CH3, CH2, CH अब इसको ध्यान से देखो आपने ठीक बताया लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ सक्षम यस सर सक्षम हाँ सर इसको ऐसे लिखो इन दोनों को कि दोनों का वही दूसरे सामने आ जाए CH3, CH2, CO इसका भी वो समझ आ जाए सी एस टू सी एस थ्री समझ में आया जी सर अब इन दोनों के ओ को हटा दो और डबल बॉन्ड बना दो सी सी एस सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री समझ में आया यस सर यस अच्छा समझ आ गया आपको जी सर पक्का ना हाँ जी सर चलो आप क्वेश्चन करो आप एक्सरसाइज निकालो ये पेज नंबर पेज नंबर
404. Yes, sir. तो इसलिए क्वेश्चन को 13.5 ये को 13.5 सर मैंने ऑर्गेनिक नहीं करी तो मेरे को इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। एन एल्केन एल्कीन ए अपोन ओजोनिक जी मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल होता है CH3CH2। यस सर। एंड पेंटेन थ्री ओन मतलब CH3CH2 CH2 CH ये पांच का ना इसको पेंटेन बोलते हैं। एक दो तीन चार पांच पेंटेन और 1 2 3 पर ओन ये दो बने हैं ये और ये। व्हाट वाज द एल्कीन? ओके सर। सर CH3CH डबल बॉन्ड C और C से सर दो चेन जाएंगी, एक नीचे जाएगी CH2CH3 और एक स्ट्रेट में जाएगी CH2CH3। नहीं सर। ये दोनों होता ना? हाँ जी सर। क्या बताया आपने? सर CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2CH3। क्या भाई आप दोबारा बोलो, प्लीज दोबारा बोलो। CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2CH3 और सर C से फिर से नीचे जाएगी CH2CH3। सर मैं बताऊं क्या बात ये है कि अलग है? सर अलग है। आप बताओ क्या है? सर CH3CH CH3 और नीचे CH2CH2। एक सेकंड। क्या बता रहे हैं आप? CH3CH हाँ डबल बॉन्ड C हाँ फिर नीचे एक चेंज आ रही है CH2CH2CH3 और उसके साथ C के साथ में CH3। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये ठीक है। मैं बता दूं कैसे इसको बता दूं दोनों का? Yes, आप ऐसे देखो, आप सच में आराम से समझ लो उसको। मैंने कहा था इसको देखो पहले CH3CH और O प्लस इसका भी और सामने दो, इसके साथ एक CH2CH3 है और एक साथ में लगा हुआ है और दोनों में से O हटा दो, ड्रोन लगा दो, ये बनाना है। समझ पाए? हाँ सर। सक्षम आगे ना? जी जी। अभी प्रो क्वेश्चन नंबर 13.7 प्रोपर नल होता है CH3CH2CH2 और पेंटेन त्रिओन तो आई गया। अब इसे बनाओ।
तो ये 13.7 है. हाँ ओके सर. हो गया सर. हो गया जी सर. नाम क्या बनाया? यस सर. सही सेक्शन आप बताओ. नहीं नहीं आप रुक जाओ, सेक्शन बताओ सर. CH3 CH2 CH double bond C CH2 CH3 और नीचे CH2 CH3. सेम है सर. आपके यही है क्या लगे? सेम है सर. हैं सेम है सर. हटा दो. वेरी गुड. आप दोनों को आगे जी सर. अच्छा सर 13.17 कर सकते हैं. 17 नहीं अभी नहीं, अभी आप इतने होशियार नहीं हुए. आप करो 13.6. हाँ हुआ क्या? एक मिनट सर. अब चुप हो गए बिल्कुल.
सर चार कार्बन हैं और आठ हाइड्रोजन है, तो सर ये इसमें मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ सर, H3C, सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। नहीं अब समझ लेते हैं सक्षम। यस सर, इसे बहुत सिंपल तरीके से करना है। हमारा जो एल्कीन है, एल्कीन क्या दे रही है, एल्डिहाइड है, मतलब दोनों एल्डिहाइड बन रहे जी सर, और उसका मोलर मास कितना है 44 U 44। तो पहला एल्डिहाइड होता है हमारा सबसे छोटा एल्डिहाइड, ये होता है HCHO, जिसको बोलते फॉर्मल्डिहाइड। इसका मोलर मास कितना था, 2 + 12 + 16, कितना हो गया ये 30। तो ये नहीं है, दूसरा होता है CH3 CHO, तो ये कितना हो गया हमारा 24 4 और 16, जी सर ये हो गया 44। यस, तो दिस वाज द एल्डिहाइड। अब ये दो बने हैं, तो CH, CH और CH3। जी सर, समझ आया? यस सर। आपको सक्षम? यस सर। पक्का ना? मजबूरी मत बोलना। सर ऑर्गेनिक करके, सर ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, एक बार बैठ हो जाएगा। सक्षम? हाँ सर आ रहा है। पक्का कह रहे हो ना खुशी से? हाँ सर हाँ सर। बोलो ना आराम। आपको पहले बोला था मजबूरी में, हाँ कर लो, मजबूरी की बात नहीं, मैं पूरा दोबारा समझा सकता हूँ, मेरे को जल्दी नहीं है। आप आगे बढ़े? जी सर। और जो मिशन हमारा हो गया? यस सर। अभी लास्ट क्वेश्चन लिखो, एल्कीन का ऑक्सीडेशन। जी सर। यस। हाँ एक बात अब बताना भूल गया मैं आपको, जो मैंने बताया था एल्कीन का रिएक्शन विद हेलोजन Br2। यस सर। तो ये हमारा बन जाता था CH2Br और CH2Br। जी सर। इसमें खास बात है, ये होता है रेडिश ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज, ये होता है कलरलेस। दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए अगर ब्रोमीन वाटर डालोगे रेडिश ऑरेंज कलर, द प्रोडक्ट विल बी कलरलेस। जी सर। तो दिस रिएक्शन इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड है, उसने क्या करना है, सिंपल इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दो। क्या डाल दो? ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते? हाँ सर, ये 10th में पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर सर। यस। हाँ तुम्हें आ गया, ये बताना भूल गया तुमने, बोलो आगे बढ़। हटा दो, ऑक्सीडेशन कर रहे थे हम लोग, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लोग करें KNO4 के साथ, KNO4
दो केस है, नंबर वन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, yes, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोल आर बी फॉर्म, यस सर, विसिनल डाइओल। सर इसे क्या कहते हैं, बॉयर्स बेयर्स, बी ए वाई ई आर, बेयर्स रिएजेंट, रिएजेंट। सर ग्लाइकोल क्या होते हैं, बता दो बता दो बता दो, बी ए वाई बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, समझ पाए? हटा दो सर। सर ये ग्लाइकोल का क्या लिखे हमने, सर ग्लाइकोल सर विसिनल, इनका नाम होता है विसिनल डाइओल। अभी लिख लो, समझाता हूँ मैं, चिंता ना करो। हटा दो, यस सर, ये देखो CH2 CH2, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो इससे हमारा बन जाएगा CH2 CH2 OH और OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। मतलब दो OH बराबर भी लगे हो ना, उसे बोलते हैं ग्लाइकोल। समझ पाए? जैसे कि CH3 CH2 KMnO4 कोल डाइल्यूट, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH OH CH2 OH। ये बात समझ आई आपको? तो एक लाइन लिख लो, इन दिस रिएक्शन द पिंक कलर ऑफ KMnO4 गेट्स डीकलराइज, सो दिस रिएक्शन इज टू नो द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। सर एक बार फिर से रिपीट कर देना मेरा वो, कौन सी बात? सर ये जो आपने अभी ये शीट लिखी था, ये लिखा था जो? हाँ सर, ये शुरू से क्या पहल कहाँ से? सर ये CH2 CH2 से। अच्छा शुरू से, ये एल्कीन है, कोल ने डिलीट किया, नंबर से करेंगे दोनों पे ओएच ओएच आ जाएगा। हाँ सर, इसको बोलते हैं डाइओल। क्या बोलते हैं? डाइओल या ग्लिसरोल, ग्लाइकोल। जैसे ये बनाया हमने, यहां भी OH आ गया। यस जी सर। इस रिएक्शन के अंदर KMnO4 का पिंक कलर चला जाता,
केविनोपोर जानते हो ना, पोटेशियम परमैंगनेट? हाँ सर। जो बर्तन धोने काम भी आता है, हल्का लाइट सा होता है, पर्पल सा होता है, और ज्यादा लाइट कर दो पिंक सा हो जाता है। सर वो इतनी डिटेल में नहीं पता। हाँ तो पिंक इन दिस कलर गेट डिक्लोराइज, तो रिएक्शन यूज होता है पोटेशियम अनसैचुरेशन। सर रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? नहीं। सर एक सेकंड में नोट, नोट कर लो। सर अभी 10 मिनट में ब्रेक ले लें थोड़ी सी। हाँ ले लो। तो कितने बजे मिलोगे? सर अभी नहीं लेते, 10 मिनट में ले लेते हैं। तो क्लास खत्म हो जाएगी? क्लास खत्म हो जाएगी? अभी 5:05 हो गए ना? यस सर। 10:05:15 हो जाएंगे, 5:20 क्लास खत्म हो जाएगी। सर सीधा क्लास ही खत्म कर देना ना, 5:30 बजे। सर सीधा 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। चलो ठीक है। एक काम करो सर, फिर अभी ले लेते हैं 5 मिनट की। 5 मिनट का करते हैं खाली। जी सर। ठीक है चलिए। I'm going to break a little bit. Thank you.
हाँ गए यस युवराज सर आपने वो नहीं बताया था ग्लाइकोल क्या होता है ग्लाइकोल से बोलते हैं अगर ऐसा अगर दो OH ग्रुप इकट्ठे आ रहे हो ना इसको बोलते हैं ग्लाइकोल विसिनल मतलब दोनों बराबर में दो OH ग्रुप लगे हो जैसे CH3 CH2 CHOH CHOH इसको बोलेंगे ग्लाइकोल दो OH इकट्ठे आ रहे हो सर ऐसे तो विसिनल डायहैलाइड का भी कोई नाम होता होगा नहीं इनका स्पेशल नाम है ग्लाइकोल उसके लिए नहीं ओके युवराज आ गए Yes, sir, I'm back. We actually hold and consider it cable report. Then you will call and delete it. Anna? Yes, sir. Or call and delete it. It is base reagent. It is being used to know the unsaturation of alkenes. But to know the presence of unsaturation, single होगा degrade हो जाता. तो लिखो alkene upon reaction with hot and concentrated K-4. Break to acidic will form acid and or ketone depending upon the structure of alkene. ठीक है यस सुनिए बताइए हटा दो उसको बात को नो सर एक मिनट हटाना मुझे हाँ लिखो पढ़ो लिखो सर वो एसिड के बाद क्या है विल फॉर्म एसिड स्लैश एंड और कीटोन एंड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन डन सर है ना दूसरा भी यस इसको जरा समझ लो कैसे होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 KNO4 एसिडिक अगर यहां इनका क्या बन जाता है यहां पर एक ओ आ जाएगा इसका OH बन जाएगा ओ आ जाएगा इसका OH बन जाएगा इसका हमारा बन जाएगा CH3 CO OH प्लस CH3 CO OH ये बात समझ में आई
अरे वो फिर से रिपीट। मैंने कहा अगर एसिडिक KNO4 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक ओ आ जाएगा, इस कार्बन पर एच का ओ एच बन जाएगा। जी सर। तो दोनों एसिड बन गए। ओके। अगर मेरा ऐसा होता CH3 CH3 CH CH2 CH3, तो हमारा क्या बनता, KNO4 एसिडिक, तो हमारा बन गया CH3 CH3, और इसके साथ O लग गया, और यहां पर CH3 OH CO CH2 CH3। मतलब कहने का क्या है, अगर यहां पर H होगा तो एसिड बनेगा, H नहीं होता कीटोन बनेगा। ओके, ये बात समझ आई? यस सर। पक्का ना? यस सर। करा उसको? जी सर। जी सर। अब आप ये देखो CH3 अब बताओ क्या बनेगा, सर? CH3 CH2 CH2 COOH प्लस और वो CH2 CH3 और नीचे भी CH2 ऐसे लगा दो, CH3 CH2 CO CH2 CH3। हाँ ठीक है। कुंद्रा, ये युवराज कुंद्रा। यस सर। एक इससे हमारा CH3 CH2 CH2 फिर COOH जो कि हमारा क्या कहते हैं कीटोन हो गया, नहीं ये हमारा एसिड हो गया, जो CH3 बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हाँ सर, ओएक एसिड। यस सर। प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। सर इसमें हमने नीचे भी कुछ लिखा और ऊपर भी लिखा है, उनमें फर्क क्या है? एक ही है, दोबारा लिख दिया मैंने। सो बेसिकली इससे फर्क क्या आता है जब हम इस रिएक्शन से करते हैं, KNO4 से करते हैं सब? मैंने ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देता है दोनों में। ओके सर। वो उतना ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कम ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। एक बात समझ लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको ऑक्सीडाइज करते जाओगे तो एसिड बन जाता है, लास्ट है ही, कुछ नहीं होता ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज करते करते मैक्सिमम एसिड तक ला सकते हो, फिर लास्ट तक जाता है। सर एसिड पे आती है मतलब उसकी लास्ट स्टेट होती है, लास्ट स्टेज, फिर वहां दीवार आ गई, बस आगे में धक्का मार सकते हो। ठीक है जी सर। हेलो। हाँ जी सर। यस। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, फिर एल्कीन की रिएक्शन खत्म हो जाएगी हमारी।
उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर जानते हैं क्या पॉलीमर? सर सुना हुआ है। पॉली मैंने मैनी, मर मैंने यूनिट। जब बहुत सारी चीज जुड़ जाती हैं उसे बोलते हैं पॉलीमर। जी सर, ये बात समझ पाए? यस सर, यस सर। जैसे कि आपके घर में जो दीवार है वो तो हो गई पॉलीमर, और जो एक ब्रिक है वो हो गई मोनोमर। वो एक यूनिट हो मोनोमर। फिर दो जुड़ जाएंगी तो बोलेंगे डाइमर, तीन जुड़ जाएंगी ट्राइमर, और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीमर। पॉली मैंने बहुत सारा। जैसे होता है इथीन, इथीन अगर बहुत सारी थीम जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। ये बस में आई? जी सर। सर पॉलीथीन क्या हुआ? अरे दोबारा लगा, चलो हटा दो, लिखो पॉलीमराइज़ेशन, लिखो पॉलीमर। को ट्राइमर तक सर समझ आ गया, उसके बाद चलो मैं बताता हूँ, लिखो पॉलीमर। जी सर। दीज आर हाई मोलर मास जाइंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर और डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है जी सर, ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो मैंने कहा जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते मोनोमर, अगर दो जुड़ जाए तो डाइमर, तीन जुड़ जाए ट्राइमर, चार जुड़ जाए टेट्रामर। यस सर। और लाखों जुड़ जाए तो पॉलीमर। जी सर। तो जैसे इथीन होता है, इथीन से बन जाएगा पॉलीथीन। ओके सर। तो इथीन क्या होता है? इथीन होता है मोनोमर, मतलब सिंपल यूनिट क्या होगी? मोनोमर हो गई इसकी इथीन। अब इथीन जुड़ते चली गई तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। तो लिखो, हटा दो उसको। यस जी सर। लिखो इथीन इसको हटा दीजिए, इथीन अपॉन पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म्स पॉलीमर कॉल्ड पॉलीथीन। पॉलीथीन आजकल बैन है के पर,
सही ये क्या हुआ है? मैं हटा इसको दोबारा बनाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। yes. ये आप ऐसे देखो, ये n, n के मतलब लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन इथीन। yes, ये जब जुड़ गई तो दोबारा बन जाएगा इसका मतलब आगे जा रहा है पीछे जा रहा है चलती जा रही है के लिए रुक नहीं रही कहीं पर भी। सर CH2 में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ सैचुरेट हो जाता है ये, तभी तो पॉलीमर बनता है। नीचे N क्यों लिखा है? मतलब लार्ज नंबर जुड़ गए। जी सर, ये तो लार्ज लग रहा है पूरा लार्ज CH2 चेन है पूरी। यस सर, जैसे होते ना 2O जुड़ जाएगा तो बन जाएगा O2। हाँ ऐसे ये N से तो जुड़ के बन गए EN। सर इसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर क्या चाहिए होगा? टेम्परेचर होता है 1200 केल्विन का। अराउंड 1200 केल्विन तब ये इथीन से बन जाता है पॉलीइथीन। एंड सर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इसके अंदर हम लोग कई सारी चीज लेते हैं तो वो छोड़ दो दी आप। yes. निकिल वगैरह सब लेते हैं वो रहने दो। हम लोग 12 में पढ़ेंगे डिटेल में स्कोर। जी सर, 12 से पूरा चैप्टर है पॉलीमर। पॉलीमर नाम का चैप्टर है पूरा है 12 में। ठीक है जी सर। यस, समझ आ गया इसको? यस सर। यस सर, इस तरह से हमारा एल्कीन्स पूरा हो गया। सक्षम फटाफट बताओ एल्कीन की मेथड प्रिपरेशन। सर मेथड सारी, हाँ चार तो है सारी क्या? सर सबसे पहले तो वो था, एक सेकंड सर अगर रैंडम बता तो चलेगा ना ऑर्डर वाइज? हाँ बता दो फटाफट बता दो। सर एक तो यूजिंग अल्कोहल में था। हाँ इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अल्कोहल, हाँ सर डिहाइड्रेशन से एक एक होता है अल्काइल हैलाइड जिसमें हम अल्काइल हैलाइड से होता है और सर एक विनसाइल हैलाइड विनसाइल डाइहैलाइड और सर एक और था और एक और था एल्काइन पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन आप बोलो बड़ा युवराज। सर एक हो गया अल्काइल हैलाइड से केम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन KOH, एक हो गया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बोलो। सर अल्काइल क्या बोला आपने? अल्कोहलिक KOH। यस सर अल्कोहलिक KOH एंड सर अल्कोहलिक KOH एंड सर अल्कोहल से कंसंट्रेटेड H2O के साथ और H2O4 के साथ। हां H2O4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल। हां एंड सर विसिनल डायहैलाइड को जिंक के साथ एंड एल्काइन को पार्शियल क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन करके। शाबाश, ठीक है जी सर। तो इतना ही करते हैं।